इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का एक सवाल आपके लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 का सबसे क्लीन सिटी का दर्जा किस शहर को मिला है और वो कौन सा राज्य में है? इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का लेटेस्ट जीके क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें टेक देश दुनिया चैनल को और बेल बटन को क्लिक करें कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। 18 मई 2018 को किस राज्य की सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार योजना शुरू किया है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है दूसरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, उल्लेखनीय गीतकार, कवि, राजनेता का नाम बताएं जिनका हाल ही में मध्य प्रदेश में निधन हो गया। ऑप्शन नंदराम दास बैरागी, शिव कुमार बतालवी, सीके नायडू, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है पहला, नंदराम दास बैरागी। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकेडमी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अनुपम सूद, बालन नंबियार, शोभा ब्रह्मा, उत्तम पछरने। इसका सही आंसर है चौथा, उत्तम पछरने। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हिमांता विश्वा शर्मा, एंटोन आदित्य शुभोव, ग्रेगरी वेरपुटेन, विशु तोलान। इसका सही आंसर है पहला, हिमांता विश्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2018 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। ऑप्शन बीएस येदुरप्पा, रमन सिंह, नवीन पटनायक, रघुवर दास। इसका सही आंसर है पहला, बीएस येदुरप्पा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम। इसका सही आंसर है दूसरा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पहली महिला निदेशक बनाए जाने की पुष्टि कर दी है? ऑप्शन जिना हास्पेल, बिल नाइटो, युकी सिमोडा, कार्ल योंदा। इसका सही आंसर है पहला, जिना हास्पेल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान खोले जाने की मंजूरी दी? ऑप्शन अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है तीसरा, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस शहर में माल लदान गांव को विकसित करने की मंजूरी दी? ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है पहला, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर है पहला, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव पर नज़र रखने के लिए पीएम मोदी द्वारा किस सुरंग की आधारशिला रखी जाएगी? ऑप्शन नातुवादी सुरंग, कमशेत सुरंग,
जो जिला सुरंग, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है तीसरा, जो जिला सुरंग। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 2018 से अमेरिका दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, इस अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन मैक्स थंडर, मित्र शक्ति, लमितिए, खान क्वेस्ट। इसका सही आंसर है पहला, मैक्स थंडर। अगला क्वेश्चन है, ओरेगोन में चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला का नाम बताइए। ऑप्शन सुशीला जयपाल, अंशिमा रावत, निरंजन भल्ला, सुरभि आर्या। इसका सही आंसर है पहला, सुशीला जयपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रपति ने BARC द्वारा विकसित दुबराज चावल की एक म्यूटेंट किस्म का उद्घाटन किया? ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही आंसर है दूसरा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में दिल्ली में बौद्धिक संपदा शुभंकर IP नानी लॉन्च किया है? ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, युवा मामलों और खेल मंत्री अमरेंद्र कुमार दुबे। इसका सही आंसर है तीसरा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है? ऑप्शन आर्मेनिया, ग्वाटेमाला, जिबूती, ईरान। इसका सही आंसर है दूसरा, ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से अपना दूतावास खोला है? ऑप्शन यरूशलेम, अम्मान, तेहरान, एरबिल। इसका सही आंसर है पहला, यरूशलेम। अगला क्वेश्चन है, मरकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सौर ऊर्जा के मामले में वर्ष 2017 में विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है? ऑप्शन चीन, रूस, नेपाल, भारत। इसका सही आंसर है चौथा, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने तटबंध निर्माण के लिए किस देश को अनुदान जारी किया है? ऑप्शन नेपाल, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है पहला, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सबसे बैंक ने देश का पहला भारत समर्पित सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित निवेश फंड शुरू किया है? ऑप्शन नेपाल, चीन, भूटान, जापान। इसका सही आंसर है दूसरा, चीन। अगला क्वेश्चन है, कौन दोनों पैर गंवाने के बाद नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन जिया बोयू, यूली स्टिक, गौतम घोष, व्लादिमीर स्त्रब्बा। इसका सही आंसर है पहला, जिया बोयू। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक द्वारा विकसित की जा रही नई प्रणाली का नाम बताइए जो उपयोगकर्ताओं को उनके हाथ में इशारे का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों पर टाइप करने की अनुमति देगा। ऑप्शन फिंगर पिंग, हैंड रिकग्नाइज, फन फिंगर, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है पहला, फिंगर पिंग। अगला क्वेश्चन है, हैनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, पूजा घाटकर, अंजलि भागवत। इसका सही आंसर है पहला, हिना सिंधु। अगला क्वेश्चन है,
आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को ताजा ऋण देने से रोक दिया है? ऑप्शन: इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक, कर्नाटक बैंक। इसका सही आंसर है पहला, इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 16 मई 2018 से इंट्रा स्टेट ई वे बिल लागू करने का ऐलान किया है? ऑप्शन: असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा। इसका सही आंसर है पहला, असम। अगला क्वेश्चन है, उन ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 14 मई 2018 को सबसे कम समय में सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बना लिया। ऑप्शन: रीनहोल्ड मेसनर, एड वेस्टर्स, पीटर हेबेलर, स्टीव प्लेन। इसका सही आंसर है चौथा, स्टीव प्लेन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ऐतिहासिक कदम के रूप में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन: चीन, जापान, भारत, इटली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डेविड बेकहम, जिनेदिन जिदान, नेमार। इसका सही आंसर है चौथा, नेमार। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में ग्लोबल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज 2018 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन: मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। इसका सही आंसर है पहला, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री ने ADNOC क्रूड की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन: मैंगलोर, चेन्नई, इंदौर, अमृतसर। इसका सही आंसर है पहला, मंगलोर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक पोषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन: भारत, चीन, रूस, नेपाल। इसका सही आंसर है पहला, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्बिया में आयोजित की गई 4 देशों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में जातिकिस्तान को 4-2 से हरा कर जीत ली है? ऑप्शन: भारत, उज्बेकिस्तान, जापान, वियतनाम। इसका सही आंसर है पहला, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी का निधन हो गया? ऑप्शन: ईसी जॉर्ज, सुदर्शन, जो एल लोबर्च, लेनियल, डेनियल क्लेपर, पीटर हिंग्स। इसका सही आंसर है पहला, ईसी जॉर्ज, सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है, किन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन: शशांक मनोहर, अनुराग ठाकुर, अजय सिरके, एन श्रीनिवासन। इसका सही आंसर है पहला, शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हरित प्रणोदक ग्रीन प्रोपेलेंट बना रहा है? ऑप्शन: स्पेस एक्स, नासा, इसरो। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तीसरा, इसरो। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने नए दोस्तों को शेयर करें उनके नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।